हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। और जैसे कि आपके कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा, वैसे मेरा इरादा इस पार्ट सेकंड को लाने का थोड़ा लेट था, लेकिन इतने सारे कमेंट आ रहे थे जिसकी वजह से मुझे लगा नहीं अब लेट नहीं करना है, बच्चे वाकई इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरा से जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैंने इसको बनाया और आपके सामने अभी ये वीडियो बन रहा है और थोड़ी देर में अपलोड भी हो जाएगा क्योंकि लाइव तो है नहीं। तो देखिए कॉमर्स वाले गुरुजी आपके सामने हाजिर है, यहाँ लिखा हुआ भी है क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट अकाउंटेंसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट नंबर सेकंड। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। सर कहाँ से देखेंगे, इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चाहे तो इसके वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आंसर होता है, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जहाँ से आपकी मर्जी वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, वही ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। किस चीज़ में बिजी है? अपनी प्रिपरेशन के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम है आपके। हाँ, पार्ट टू। तो यहाँ नीचे देखिए पार्ट टू में आ गया अपना जॉइंट वेंचर। पहले नहीं आया था ना, पार्टनरशिप और कंपनी कराया था मैंने। हाँ, जॉइंट वेंचर में क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एग्जामिनर इसके अंदर से कोई एक या दो नंबर का क्वेश्चन या कोई एक एमसीक्यूज जरूर देगा। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? मोटा मोटी जो है इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंस है। जैसे पार्टनरशिप में एक्ट बना हुआ है, जॉइंट वेंचर के लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं बना हुआ है। तो ऐसे कई सारे डिफरेंसेस हैं जो आप पढ़ सकते हैं और बहुत ईजी हैं। फिर आता है अपना एमसीक्यूज। इस चैप्टर के एमसीक्यूज सारे करें। एमसीक्यूज में आपके बुक के एमसीक्यूज भी हो गए, इसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज चाहिए, अगर आपको चाहिए तो। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको, वो जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि भाई अवेलेबल है, आपकी मर्जी अगर आप वहाँ से जाके लो या नहीं लो। कहाँ अवेलेबल है? वो ऐप में अवेलेबल है, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप है। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर जितने भी इस बार आपके कोर्स में हैं उन सब के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। आपकी बुक में एमसीक्यूज दे रखे हैं वो भी, और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो हमने मेहनत करके एमसीक्यूज बनाए हैं, तो उस मेहनत का आपसे बहुत कम चार्ज लिया जाता है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते हैं और भी मेरी तरफ से जो हो सकेगा मैं आपको मिलेगा। वो 100 रुपीज़ हैं ओनली, ठीक है। आप जाके ऐप में बाय कर सकते हैं, जैसे ही बाय करेंगे आपको वो मिल जाएंगे और अनलॉक हो जाएंगे। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो है बुक के अंदर वो भी कर सकते हैं, शॉर्ट टाइप भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको जो करने हैं, मेरे हिसाब से एग्जांपल इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट, टेंथ, ये ज़रूर करें। इनमें से या इनके जैसा कोई क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले आपको डिफरेंस करना है थ्योरी के अंदर, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं और नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, यानी कि वाणिज्यिक संगठन और गैर वाणिज्यिक संगठन क्या होते हैं, व्यावसायिक संगठन या गैर व्यावसायिक संगठन बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, कुछ नेम हैं जो इस चैप्टर को थोड़ा सा अलग बनाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। होनोरियम यानी कि मानदेय क्या होता है, लेजेसी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एंडोपमेंट फंड अक्षय निधि कोष क्या होता है, एन्यूटी फंड क्या होता है, डोनेशन और ग्रांट्स क्या होते हैं, जैसे चैरिटी क्या होती है, चैरिटी और डोनेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आप ज़रूर करें। इस चैप्टर के एमसीक्यूज करें आप, वेरी शॉर्ट भी करें, शॉर्ट टाइप भी करें, शॉर्ट आंसर टाइप भी करें आप क्वेश्चंस। लेकिन उसके अलावा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है मैं नहीं कहूँगा कि आप बुक से करें, क्योंकि बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लेवल से बहुत ज़्यादा हार्ड दे रखे हैं। अब RBSE ने ऐसे हार्ड क्यों दिए वो तो RBSE बोर्ड जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपना जो ट्वेल्थ का लेवल है उस लेवल से कहीं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम सर कहाँ करें? तो इसके जो है नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स कहाँ प्रोवाइड कराऊंगा? नोट्स प्रोवाइड करूंगा कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप पर, कॉमर्स वाले गुरुजी जो ऐप है ना वहाँ पर, वहाँ फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, आप फ्री मिलेगा जिस बच्चे ने, जैसे अभी लगभग 2000 के करीब डाउनलोड्स हैं, तो उन 2000 बच्चों को ऐप में जिन्होंने डाउनलोड किया, चाहे उन्होंने कोर्स बाय किया चाहे उन्होंने कोर्स बाय नहीं किया, उनको इस चैप्टर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं विथ सॉल्यूशन
वो मैं प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको खुद मैं भेजूंगा। लेकिन अब आप मेरे को बार बार मैसेज करके परेशान मत करना कि सर मुझे मिले नहीं, मुझे मिले नहीं। मुझे पता है आप अभी जाओगे ऐप डाउनलोड कर लोगे और बोलोगे सर मुझे तो मिले ही नहीं, कमेंट करोगे, फ़ोन करोगे, और तो वो मत करना क्योंकि ये अभी अवेलेबल नहीं है। ये कब अवेलेबल होंगे वो डेट मैं आपको बता देता हूँ। तो उस डेट से पहले आप कुछ भी मैसेज करोगे तो फिर वो मतलब नहीं है, फालतू अपना कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। आप अगर मैं भूल भी जाऊँ, वैसे कोई नहीं भूलूंगा, मैं आपको बताता हूँ डेट 10 अप्रैल 2021, 10 अप्रैल को मिलेंगी, क्योंकि अभी उसको हम कहीं से लेंगे, टाइप करवाएंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ना, और उसके सॉल्यूशन करेंगे, फिर वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको 10 अप्रैल को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे MCQs बाय करने हैं तो उसके 100 रुपीज़ लगेंगे ना, लेकिन इसके कुछ रुपये नहीं लगने हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। बस उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने कॉमर्स वाले गुरु जी ऐप डाउनलोड कर रखा है, उनको मैं बाय, वहाँ पर एक चैट का मैसेज ऑप्शन आता है, उससे मैं उनको भेज दूंगा, PDF भेज दूंगा। ओके ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप वो करेंगे जो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ किसी को बुक से करने हैं तो उसकी मर्जी है, मैं उसको मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ अगर आप उसमें बुक में क्या सीधे हार्ड क्वेश्चन दे दिए, लेकिन नोट्स में क्या होगा, पहले थोड़ी इजी होंगे फिर थोड़े हार्ड होंगे, तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है PDF में मिलेंगे बेटा, वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। ओके हाँ फिर आते हैं, और कब डेट याद रखना, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोग मैसेज करते हो बहुत ज़्यादा, तो 10 अप्रैल तक तो आपको डेट याद रखनी है, 10 अप्रैल को मिल जाएंगे। हाँ उससे पहले आप ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, 10 अप्रैल को आपको सुबह ही जल्दी जल्दी आपको सारे भेज दूंगा मैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 10th। अब इसमें क्या है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इसके अंदर आपको सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो वित्तीय विवरण होते हैं उसका सेट क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। तो वित्तीय विवरण में आपको मैं बताऊं, जैसे तो P&L शामिल होता है, बैलेंस शीट शामिल होती है, और कैश फ्लो शामिल होता है, कैश फ्लो, और कुछ नोट्स होते हैं, एक्सप्लेनरी नोट्स होते हैं, स्पष्टीकरण बोल सकते हैं, प्रकटीकरण बोल सकते हैं हिंदी में, वो तो चार चीज़ें शामिल होती है। लेकिन ये कैश फ्लो जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो हर कंपनी को नहीं बनाना है, कैश फ्लो उसी कंपनी को बनाना है जिसकी कुछ लिमिट्स दे रखी हैं, अगर कोई उसके अंदर आएगी तो ही कैश फ्लो बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। तो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। उसके आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता कौन कौन है, आंतरिक में देखें तो शेयर होल्डर हो गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज हो गए, ये इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल में कौन हो, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, बैंक हो गई, लोन प्रोवाइडर जो है वो हो गए, है ना, ये सारे एक्सटर्नल हो गए। तो वो कौन कौन है, वो है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये यहाँ आ गया है आपके। उसके अलावा टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेक्निक्स है उसको एनालिसिस करने की। तो इसमें तीन है, और एग्ज़ाम के अंदर ये चैप्टर जो है 10 नंबर का है, और उसमें से मुझे लगता है 6 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, इसी 4th पॉइंट से, इन तीनों में से कोई एक आएगा प्रैक्टिकल। और ये प्रैक्टिकल आप दो तभी कर पाएंगे जब आपको बैलेंस शीट याद हो। बैलेंस शीट कौन सी, चैप्टर नंबर 5th के अंदर जो बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, अगर आपको यो याद है तो ही आप ये दो मेथड कर पाएंगे, जिसमें एक में कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट है और एक ट्रेंड एनालिसिस है। तो बहुत ईजी है, ये फ्री के नंबर होते हैं, अगर थोड़ा सा आपको बैलेंस शीट याद है, P&L का आपको फॉर्मेट याद है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसके MCQs आप करें, इसके वेरी शॉर्ट भी करें, शॉर्ट भी टाइप करें, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके जो मैंने बताए वो करें, क्वेश्चन नंबर 1st, 3rd, 8th, 9th और 10th। लास्ट चैप्टर कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स नहीं है बेटा, रेशियो है ये, कंपनी अकाउंट्स कैसे लिख दिया, वो गलती से बेटा टाइप हो गया, ये रेशियो है। कौन सा चैप्टर है, रेशियो, चैप्टर नंबर 11th कौन सा है, रेशियो का है, ठीक है, रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस मतलब अनुपात विश्लेषण, आप जानते ही हैं ये चैप्टर, अच्छा खासा चैप्टर है। अभी हमारी ऐप पे ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो अगर आपको वो चैप्टर करना है तो आप ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, अकाउंटेंसी का कोर्स 50% डिस्काउंट भी चल रहा है, 50%। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, फॉर्मूला ऐसे है खूब सारे अकाउंटिंग रेशियो के। तो वैसे मेरा अगर जिसने कोर्स परचेज कर रखा है उनको तो मैंने चार्ट बनवा के बनाए हैं खूब सारे फॉर्मूलाज, लेकिन अगर आपने कोर्स नहीं कर रखा है भाई, तो आप में बुक में टेबल दे रखी है, उसमें 20 फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको वो 100% याद करने हैं, बुक के अंदर आपकी एक टेबल दे रखी है,
जहाँ आपका बुक के अंदर जो आपका चैप्टर रेशियो एनालिसिस, वो चैप्टर जैसे ख़त्म होता है और क्वेश्चंस जैसे स्टार्ट होता है, उसके वहाँ पर एक ग्लोसरी दे रखी है, शब्दावली, उसके जस्ट पहले फॉर्मूलाज दे रखे हैं खूब सारे, वो 20 फॉर्मूलाज है, 20 वो ज़रूर याद करें। हाँ, जिन्होंने कोर्स बाय कर रखा है उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट चार्ट में बनवा रहा हूँ, उससे उनको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। हाँ, ग्लोसरी शब्दावली ज़रूर देखें, बुक में जो टेबल है आपकी बनी हुई शब्दावली की, उसमें 27 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो ज़रूर करें। एमसीक्यू सारे करें, वेरी शॉर्ट सारे करें, शॉर्ट आंसर वाला टाइप सारे करें, न्यूमेरिकल सारे करें, और न्यूमेरिकल है ही नो क्वेश्चन, सबसे देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ऑल एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन दे रखे ना आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी किसी चैप्टर के मैंने एग्जाम्पल नहीं बोला, इस चैप्टर के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो नौ ही हैं, तो वहाँ कितना करोगे आप प्रैक्टिस, और रेशियो में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो वहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स अगर आप करते हो तो आपकी बहुत 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 अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, बाकी कौन सा फॉर्मूला आएगा वो इसमें हम नहीं बता सकते, इसमें कोई एजम्पशन नहीं चलेगी, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, करंट रेशियो पूछ सकता है, सॉल्वेंसी रेशियो पूछ सकता है, वो आपसे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की रेशियो पूछ सकता है, एक्टिविटी रेशियो पूछ सकता है आपसे, कोई भी रेशियो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा एक और बात, अपना एक न्यू चैनल, आपको पता हो या नहीं हो मैं बता देता हूँ, एक न्यू चैनल हमने बनाया है, और ये चैनल बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीए करना चाहते हैं ट्वेल्थ के बाद, अभी आप लोग ट्वेल्थ में हो, इसके बाद अगर कोई सीए करना चाहता है तो उनके लिए वो चैनल है, ओनली फॉर सीए स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर एक वीडियो डल भी गया है, कुछ बच्चों को पता भी होगा शायद, और उसमें मैंने बताया है कि सीए कोर्स क्या है और ट्वेल्थ के बाद कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है, और क्या प्रोसेस है उसका, कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम कौन सा होता है, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है, और धीरे धीरे उसके ऊपर वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर होम पेज पर भी आपको, कॉमर्स वाले गुरु जी होम पेज पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप सीए करना चाहते हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, काफ़ी सारा फ्री मटेरियल भी देंगे हम, और आपको गाइडेंस देंगे, और आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका हम सॉल्यूशन भी करेंगे। ओके, तो इतना ही, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया सबसे पहले, और एक लेक्चर आएगा अभी कल संडे को, है ना, कल संडे है, तो कल मैं उसको शूट करूँगा और मंडे तक वो अपलोड हो जाएगा, और उसमें होगा का क्या, उसमें मैं बताऊँगा कि रिविज़न कैसे करना है, रिविज़न के कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा और कुछ ऐसा बताऊँगा जिससे आपकी पूरी बुक जो है, जैसे आपके चैप्टर कितने हैं, 7-8 जो भी चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर आप विद इन 10 डेज सारे चैप्टर विथ ऑल क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लोगे, ऐसा मैं कुछ बताऊंगा। 10 डेज भी ज़्यादा बता रहा हूँ, है ना, इससे भी कम टाइम में, मतलब विद इन 1 वीक या 1-2 दिन एक्स्ट्रा कर लीजिए, 7-8 दिन के अंदर जो है आप, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर जो है आप सारे चैप्टर कर लेंगे विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ऐसे कुछ रिवीजन के मैं तरीके बताने वाला हूँ। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताना पड़ेगा, तो बनाऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊँगा, तो कमेंट करके बताइए, मैं कल संडे है, कल शूट करूँगा और मंडे को वो आपके पास वीडियो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें, इतना कुछ हम आपके लिए करते हैं, तो सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।